वेलकम फ्रेंड्स, लेट स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग अ टाइम। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को लॉसेस के बारे में बताना चाहता हूँ कि कैसे हम मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा लॉस करते हैं और लॉसेस के पीछे की हमारी क्या साइकोलॉजी होती है। तो ये सब मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि हम लॉस क्यों करते हैं, कैसे लॉस हमारा छोटा छोटा लॉस रहता है वो आगे जाके छोटा का लॉस हो, आगे जाके बड़ा और एंड में जाके बहुत ही बड़ा लॉस हो जाता है, और अगर हमने पहले प्रॉफिट किया है तो तब तो और ज़्यादा ज़्यादा बड़ा लॉस हो जाता है। तो इसके बारे में मैं आप लोगों को अभी इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे हमें इस लॉस से बचना है। और नो लॉस स्ट्रेटजी, ये आपने यूट्यूब पर बहुत बार देखा होगा कि नो लॉस स्ट्रेटजी, तो ऐसा मैं बता दूँ कि ऐसा नो लॉस स्ट्रेटजी करके कुछ मार्केट में चलता ही नहीं है, क्योंकि नो लॉस ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता कि लॉस नहीं हो। अगर आपने मार्केट में इन्वेस्ट किया है तो थोड़ा लॉस तो होगा बस, बट आपको ये जानना ज़रूरी है कि आप लॉस कितना ले रहे हो और उसके अगेंस्ट में प्रॉफिट कितना ले रहे हो। तो ये सब हम अभी इस वीडियो में देखेंगे। अभी मेरे सामने तो दो वजह सामने आई है कि ज़्यादा बड़ा लॉस करने की। एक तो सबसे बड़ी पहली वजह है कि ओवर ट्रेडिंग, हम ज़्यादा से ज़्यादा ओवर ट्रेडिंग करते हैं। ओवर ट्रेडिंग, तो इसे हमें कैसे बचना है ये भी बताऊंगा कि ओवर ट्रेडिंग से हमें कैसे बचना है। हमारा तो मतलब ब्रोकर को ज़्यादा हमारा ब्रोकरेज नहीं जाता, क्योंकि हमने ज़ीरो ब्रोकरेज में अकाउंट ओपन किया है और हम मल्टीपल ट्रेड ले लेते हैं। तो अभी मैं आप लोगों को निफ्टी, बैंक निफ्टी का चार्ट दिखाता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, पहले तो मैं आप लोगों को एम स्टॉक का मैंने आज जो ट्रेड लिया है वो दिखाता हूँ। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे देखो, सबसे पहले तो आप मेरा ये देखो एम स्टॉक का टर्मिनल कि मैंने आज कितने ट्रेड लिए। तो ये देखो यहाँ पे देखो ऑर्डर टोटल यहाँ पे ज़ीरो है, क्योंकि आज मैंने कोई भी ट्रेड नहीं ले। यहाँ पे देखो पोजीशन में भी ज़ीरो है, और ऑर्डर में जाके दिखाता हूँ, ऑर्डर भी मैंने आज कुछ नहीं लिया है, क्योंकि मेरा कंटिन्यू दो से तीन दिन में मेरा लॉसेस चल रहा है। क्योंकि उसके पीछे का रीज़न है, मार्केट बहुत ही वोलेटाइल है, तो इसी के कारण हमें ज़्यादा से ज़्यादा लॉसेस, कंटिन्यू लॉसेस हमें देखने के लिए मिल रहे। जो भी ऑप्शन बायर है उनके लिए बहुत ही मतलब ये पिछला वीक था और उससे पहले का वीक बहुत ही घटिया वीक था, क्योंकि बहुत ज़्यादा वोलेटाइल हो रहा था। जैसे हमें एंट्री मिलती थी 10-20 पॉइंट ऊपर जाके हमारा एसएल करके फिर से टारगेट की तरफ मार्केट जा रहा था, तो बहुत ही वोलेटाइल होने के कारण मेरा भी लास्ट वीक में लॉस हुआ है, तो इसके कारण मैंने अभी ये ठान लिया है कि इस पूरे मंथ में, ये वन मंथ में मैं एक भी ट्रेड नहीं लूँगा। अभी एक दो तीन दिन बचे हैं तो मैं अभी कोई भी ट्रेड नहीं लूँगा, और आज भी मैंने ट्रेड नहीं ली, यहाँ पे आप देख सकते हो। क्योंकि कंटिन्यू लॉसेस होने के बाद भी आपको पॉज लेना ज़रूरी है, और कंटिन्यू प्रॉफिट होने के बाद भी आपको पॉज लेना बहुत ज़रूरी है। अब मैं आपको चार्ट, बैंक निफ्टी का चार्ट दिखाता हूँ कि कैसे बैंक निफ्टी ज़्यादा से ज़्यादा वोलेटाइल कर रहा है। अभी ये मैंने 15 मिनट का चार्ट लगाया है, जब से ये मोरल ट्रेडिंग हुआ है तो बहुत ही ज़्यादा मतलब ट्रेडिंग करने के लिए दिक्कत आ रही है, मतलब मुझे तो दिक्कत आ रही है, क्योंकि मैं 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम यूज़ करता हूँ। आप चाहे वो कौन सा भी यूज़ करो, मैं क्या करता हूँ, ब्रेकआउट पे ट्रेडिंग करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा, और जैसे ही ब्रेकआउट आता है मैं यहाँ पे ट्रेड ले लेता हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक फेक ब्रेकआउट, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे देखो फेक ब्रेकआउट किया, यहाँ पे देखो एसएल कर दिया, और एसएल करने के बाद यहाँ पे फिर से टारगेट के पास गया, तो ऐसा हो रहा है। और यहाँ पे हम एंट्री लेंगे एक दो पॉइंट, यहाँ पे 5-10 पॉइंट क्या प्रॉफिट बुक करेंगे आप ही बताओ। और जैसे ही हमने यहाँ पे एसएल ले लिया, यहाँ पे समझो, यहाँ पे कुछ लोग यहाँ पे जिनका रिस्क मैनेजमेंट और स्टॉप लॉस के हिसाब से, मनी मैनेजमेंट के हिसाब से, जिनका जिनका एसएल जहाँ जहाँ पे हो वहाँ पे उनका सब लोगों का एसएल करके यहाँ पे फिर से देखो यहाँ पे रैली आई और यहाँ पे उनको प्रॉफिट देता। तो ऐसे मतलब बहुत सारे फेक ब्रेकआउट यहाँ पे हो रहे हैं, और जैसे ही मतलब हम यहाँ पे ट्रेंड में भी चले गए, ट्रेंड में भी रहेंगे, यहाँ पे देखो फिर से ये ब्रेकआउट था, और यहाँ पे ये देखो पहले ब्रेकआउट किया, ये ऊपर आया। अगर यहाँ पे कंफ्यूज गया, कुछ लोग यहाँ पे एसएल ले लिए होंगे, कुछ लोग निकल चुके होंगे फियर के कारण, और जैसे ही यहाँ पे कुछ लोग निकल चुके वहाँ पे फिर से ये इसने नीचे आया। तो और यहाँ पे नीचे आने के बाद भी यहाँ पे प्रीमियम हमें जितना चाहिए उतना प्रीमियम भी नहीं बढ़ रहा। यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा अभी ऑप्शन सेलर के
अंडर में है अभी हमारा मार्केट, तो ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शन सेलर का भी फ़ायदा हो रहा है। तो अभी ऑप्शन बायर हो तो आप पॉज लेंगे तो आपका बहुत ही अच्छा रहेगा। जैसे मैंने पॉज लिया है अभी, ये 15 मिनट का हो गया, और 5 मिनट पे भी मैंने बहुत सारे फेक ब्रेकआउट देखे। और जैसे ही फेक ब्रेकआउट हुए हैं तो बहुत ही दिक्कत आ रही है, जैसे हमारा स्टॉप लॉस हो रहा है उसके बाद जाके टारगेट मिल रहा है। यहाँ पे देखो क्लियर कट रेंज है, और ये जैसे ही यहाँ पे रेंज ब्रेकआउट हुआ ये थोड़ा ऊपर गया, 5-10 पॉइंट मिले होंगे, और फिर से यहाँ पे एसएल करने के लिए आ गया। और ऐसे ही 1-2 एसएल हुए होंगे तो हम लोग क्या करते हैं, ओवर ट्रेडिंग करते हैं, और ओवर ट्रेडिंग की वजह से हमारा बड़ा से बड़ा लॉस हो जाता है। तो हमें ये बात हमेशा ध्यान में रखनी है कि हमें पाँच चीज़ों पर हमें बिल्कुल फोकस करके रखना है। पांच चीज़ें जो हमें मार्केट में बहुत जाननी बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला है बिग प्रॉफिट, सेकंड है स्मॉल प्रॉफिट, थर्ड है ब्रेक इवन, फोर्थ है स्मॉल लॉस। ये चारों मुझे मतलब चारों लेने के लिए मैं तैयार बैठा हूँ। लेकिन फिफ्थ जो हमारा है, फिफ्थ पॉइंट है बिग लॉस। ये बिग लॉस कभी भी हमें एक्सेप्ट नहीं करना है, क्योंकि ये पूरी की पूरी कैपिटल हिला देता है ये बिग लॉस। तो इसलिए हमें बिग लॉस कभी भी नहीं लेना। ये चारों हमें चाहिए, स्मॉल प्रॉफिट, स्मॉल लॉस, बिग प्रॉफिट, ब्रेक इवन। ये चारों होंगे तो हमें मार्केट से कोई भी निकल नहीं सकता। लेकिन जब आपका बिग लॉस होगा ना तो आप मार्केट में रह नहीं सकते। अगर आपकी कैपिटल ख़त्म हो गई तो आप मार्केट में ट्रेड नहीं कर सकते। इसलिए मैंने तो अभी ट्रेडिंग करना बंद कर दिया है, क्योंकि अभी थोड़ा पॉज भी चाहिए, थोड़ा और वर्क करना चाहिए, और उसके बाद हमें यहाँ पर मार्केट में ट्रेड लेने चाहिए। तो आप भी ओवर ट्रेडिंग करने से बचे। सबसे पहले तो लॉस करने की हमारी सबसे बड़ी वजह होती है ओवर ट्रेडिंग, और दूसरी सबसे बड़ी वजह होती है फोमो एंट्री, मतलब अरे ये ट्रेड निकल गया, यहाँ पे एंट्री लो, ये ट्रेड निकल रहा है ये एंट्री लो। तो फोमो ट्रेडिंग से भी आप बचो, और ओवर ट्रेडिंग, ये दोनों, और जब तक सेटअप नहीं बनता तब तक आप एंट्री मत लेना। क्लियर सेटअप ना दिखे तब तक एंट्री आप मत लेना। तो ये दोनों आप अगर कर गए तो आप बहुत ही अच्छी तरीके से मार्केट में प्रॉफिट निकाल सकते। तो मैं भी अभी ट्रेड नहीं करूँगा, देखूँगा जब मुझे लगेगा कि अच्छे से अच्छा मतलब मार्केट चल रहा है तो मैं अब ट्रेड लेना शुरू करूँगा। मैं अगस्त मंथ में अक्टूबर मंथ तो बहुत ख़राब चला गया, तो मैं अभी अक्टूबर मंथ पूरा कूल ही रहूँगा, और उसके बाद मैं नवंबर मंथ में मैं ट्रेडिंग करना शुरू कर दूँगा। तो आप भी लॉसेस करने से बचे, और जितना आप लॉसेस से बच जाएंगे उतना आप प्रॉफिट में जाते चले जाएंगे। तो वीडियो देखने के लिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।